गाइस गुड इवनिंग। तो गाइस ये विजन की 22 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो गाइस बिफोर स्टार्टिंग दिस मैगजीन तो मैं आपको बता दूं कि वीक में एक दिन का ऑफ होता है और वो ऑफ या तो संडे हो सकता है या फिर फ्राइडे हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी दिन ऐसा हो सकता है कि वीडियो ना आए। अगर फ्राइडे को नहीं आ रही है तो संडे को फॉर श्योर आएगी, फाइन। चलिए हम आज के फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री रोल्ड आउट 3 स्कीम्स टू स्ट्रेंथन द MSMEs इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो कहीं ये जो न्यूज़ है अपनी इकोनॉमिक्स में कवर होगी। अभी क्या सो दैट हम अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को और ज़्यादा स्ट्रेंथन बना सकें, आत्मनिर्भर बना सकें, तो इसके अंदर 3 इनिशिएटिव्स को रोल आउट किया गया है। इनिशिएटिव्स का ये कि हम इंडिया के जो फार्मा है, जो इंडिया की जो MSMEs है फार्मा, मतलब कि जो भी माइक्रो स्मॉल मीडियम लेवल पर जो एंटरप्राइजेस हैं, उनको ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बना सकें, सो दैट वो हमारे जो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो इंडिया के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होंगे, हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें। अब उनको पहले हम इंसेंटिवाइज कर सकें ताकि हम क्या कर सकें, टू एक्वायर शेड्यूल एम और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफिकेशन बाय WHO, ठीक है। देखो अगर हम अपनी जो एंटरप्राइजेस हैं उनको ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनाएंगे तो उससे क्या होगा, हमें WHO को एक सर्टिफिकेट मिलेगा, दैट इज अ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। और अगर हमारी मतलब एंटरप्राइजेस को ये मतलब कि अवार्ड मिल गया इस तरह का, या जो भी डिक्लेरेशन है इस तरह का मिल गया, तो हमारा जो भी फार्म प्रोडक्ट होगा उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, फाइन। तो GMP सर्टिफिकेशन एक तरह का स्टैंडर्ड है जो कि WHO के द्वारा डिफाइन किया गया है फॉर इंश्योरिंग प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस एंड कंट्रोल्ड एज पर द क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। मतलब कि ऑथेंटिसिटी बढ़ गई क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, वो मेंटेन है, ठीक है। अब देखो इंडिया में वैसे मोस्टली जेनरिक दवाइयाँ बनाई जाती है क्योंकि वो सस्ती होती हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सेम सॉल्ट होता है जो अगर आप कोई लोगे अगर तो वो महंगी होगी। लेकिन आउट ऑफ इंडिया अगर आप चले तो जेनरिक मेडिसिन की इतनी सेल नहीं है, USA वगैरह, कनाडा वगैरह जो बड़ी कंट्रीज हैं, ठीक है, क्यों, और वो इन मेडिसिन को फेक बोलती हैं, ठीक है। तो यही बात है कि उनको स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड का डिक्लेरेशन नहीं मिला हुआ, फाइन। अब इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम है, तो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम, इससे क्या होगा जो हम क्या करेंगे, जो फार्मास्यूटिकल जो MSMEs हैं उनको हम मतलब कि एक ट्रैक प्रोवाइड करेंगे टू अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम उनको कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, उनके जितने भी वो लोन लेंगे उन पर हम 10% उनको सब्सिडी देंगे ऑन अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10 करोड़ विद द मिनिमम रीपेमेंट पीरियड ऑफ 3 ईयर। मतलब अगर कोई भी 10 करोड़ तक का लोन लेता है तो वो 3 साल में अपना रिटर्न कर सकता है और उसको सब्सिडी देंगे 10% की, और उस पर जो इंटरेस्ट भी लगेगा वो 5% कम लगेगा, ठीक है। सबवेंशन मतलब इंटरेस्ट, सबवेंशन मतलब कहते हैं 5% कम इंटरेस्ट पे देंगे ऑन रिड्यूसिंग द बैलेंस बेसिस। नेक्स्ट है असिस्टेंस टू फार्मा इंडस्ट्रीज फॉर कॉमन फैसिलिटी स्कीम। इससे क्या होगा, जो हमारी एग्जिस्टिंग जो फार्मास्यूटिकल क्लस्टर कैपेसिटी है वो स्ट्रेंथन होगी, सो दैट वो अच्छे से अगर ग्रोथ लेती रहे फ्यूचर में। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी अप्रूव प्रोडक्ट कॉस्ट है इसके अंदर हम उनको 70% जो 70% ऑफ अप्रूव प्रोडक्ट कॉस्ट को असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। 90% जो हिमालयन स्टेट्स में है और या फिर नॉर्थ ईस्ट में, और ₹20 करोड़ विच एवर इज लेस। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम नाम से समझ में आ रहा है। इसके अंदर हमें करना है जो भी फार्मा से रिलेटेड है, जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर्स हैं उनका एक डाटा बेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी, जैसे आपका शुगर टेस्ट करने का, BP टेस्ट करने का जो भी इक्विपमेंट है, इसके अंदर हम एक स्टडी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे ऑन टॉपिक्स ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर द इंडियन फार्मा मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है नीति आयोग रिलीजेस थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो गाइस ये प्रिपेयर किया गया है नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कंपिटेटिवनेस, वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है जो डिफरेंट स्टेट यूनिटीज को रैंक करता है कि कौन से स्टेट में कितनी अच्छी इनोवेशन परफॉर्मेंस चल रही है, सो दैट वो कॉम्पिटिशन अच्छा हेल्दी बना के रखा हुआ उन्होंने। हाईलाइट्स किया है जो मेजर स्टेट्स में से कर्नाटका ने टॉप किया है, नॉर्थ ईस्टर्न और हिली एरियाज में मणिपुर ने, और यूनियन टेरेटरीज में चंडीगढ़ ने टॉप किया है इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। और कौन सी कंट्री है जिस कौन सी जो R&D इन्वेस्टमेंट है वो डिक्लाइन हुई है फ्रॉम 0.8% ऑफ द GDP टू 0.7%। इसके अलावा R&D में देखा गया प्राइवेट पार्टिसिपेशन कम देखने को मिला, जो कि अच्छा इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा करंट एडिशन ने क्या किया है, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसके फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया। एक तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है जिसमें हम इंडिया के स्टेट्स को रैंक करेंगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या करता है पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को रैंक करता है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। इसमें 7 पिलर्स हैं जिसमें 5 इनेबल पिलर्स हैं जो कुछ इनपुट्स को मेजर करते हैं दैट आर क्रूशियल फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन, और 2 परफॉर्मेंस पिलर्स हैं जिसमें हम आउटपुट को मेजर, मतलब इनपुट अच्छा होगा तभी तो आउटपुट अच्छा होगा, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, फाइन, जिसमें हम आउटपुट मेजर करते हैं which represent a nation benefit in knowledge creation and competitiveness। India का जो रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46th है। अब ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंस की है ऑफकोर्स, इससे हम क्या करेंगे जो भी डिफरेंट लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं चाहे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पता चलेगा कहाँ पर कौन सी कमी आ रही है, उस हिसाब से वो क्या करेंगे इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन पर आएंगे, चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करेंगे दैट परसिस्ट अक्रॉस रीजनल इकोनॉमीज, मतलब कि कहीं पर तो बहुत अच्छा कोई रैंक, मतलब कोई स्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म करे, कोई
बहुत बेकार परफॉर्म करें तो उनमें क्या गैप है, उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश करेंगे और सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनेबलर्स कौन कौन से, ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरमेंट, सेफ्टी, लीगल, मतलब कि ये इनपुट है। अगर ये पांचों चीज़ें अच्छी नहीं होंगी तो आपका आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। परफॉर्मेंस हम कहेंगे नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब और लोगों तक कितना जाता जा रहा है। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, मतलब जैसे सपोज करो गवर्नमेंट 10 करोड़ रिलीज तो कर दी लेकिन एक्चुअल में वो पहुंच कितना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स पब्लिशेस 10 इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ टॉय। ये गानी इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्या है, टोटल 10 इंडियन स्टैंडर्ड्स को पब्लिश किया गया जिसमें से 7 पार्ट हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के ऑन सेफ्टी ऑफ टॉयज, जो भी टॉयज की सेफ्टी, क्योंकि आप देखते हैं टॉयज प्लास्टिक के टॉयज हम बच्चे मुंह में लेते हैं तो उनको कुछ डिजीज होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो नेम ऑफ कुछ ट्रेडिशनल टॉयज के नाम देख लेते हैं, ये आर्ट एंड कल्चर के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका का चनपटना टॉय, किन्नल टॉयज होते हैं। आंध्र प्रदेश का एटिको पोटाटाइज या कोंडापल्ली टॉयज। तेलंगाना का है निर्मल टॉय। तमिलनाडु का है थांजावुर गोली डॉल्स या छोपू सामान। मणिपुर का है लेफादिबी। असम का है अशार के अंडे टेराकोटा टॉयज। ठीक है, उड़ीसा का है संबालपुर टॉयज एंड पेपर मैश एंड स्टोन टॉय। पंजाब का है छंकना, ठीक है, जिसमें घुग्घू होता है, लट्टू होता है, हंडवाई होता है, ठीक, किसी को किचन सेट्स भी बोलते हैं। गुजरात का ठीक रहेंगे। ठीक है, तो यू शुड नो अबाउट ऑल दिस ट्रेडिशनल टॉयज। ठीक है, अभी का जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ने मैंडेटरी बनाएगी 1 जनवरी 2021 से, जो भी बच्चों के टॉयज हैं जिन और वो टॉयज जो बच्चे 14 साल से कम वाले बच्चे यूज़ करते हैं कि उनको 7 इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर सेफ्टी ऑफ टॉयज, और उनको एक स्टैंडर्ड मार्क जैसे ISI मार्क लेना पड़ेगा अंडर लाइसेंस फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, इस लाइसेंस को ग्रांट करने से पहले टॉयज को पहले स्ट्रिक्ट टेस्ट किया जाएगा, सो दैट ये देखा जाएगा कि वो सेफ है विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल सेफ्टी, सेफ्टी अगेंस्ट केमिकल, फ्लेमेबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें टेस्ट की जाएगी। इंडिया के टॉय इंडस्ट्री का हम देखेंगे तो इसका माना जा रहा है ग्लोबल मार्केट शेयर में सिर्फ 0.5% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। $1.5 बिलियन की मार्केट है। मैन्युफैक्चरिंग इसकी टॉय मैन्युफैक्चरिंग मेनली NCR रीजन में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में है, अक्रॉस और कुछ सेंट्रल इंडियन स्टेट्स में भी, जैसे मध्य प्रदेश के आसपास। ये जो सेक्टर फ्रेगमेंटेड है वो 90% जो मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर कुछ नहीं है। इंडिया ने क्या स्टेप लिए गया सो दैट हम टॉय इंडस्ट्री को प्रमोट कर सके, नेशनल एक्शन प्लान फॉर इंडिया टॉय स्टोरी सो दैट अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करें, नीड बेस्ड इंटरवेंशन, इसमें मेनली 13 आइडेंटिफाइड हैंडीक्राफ्ट टॉय क्लस्टर्स की इंडस्ट्रीज को अभी हमने पढ़ा ऊपर। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर भी हम क्या कहेंगे टॉय मेकिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स के अंदर 6th स्टैंडर्ड से। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया अडॉप्ट्स US ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑफ द 2022 सप्लाई चेन मिनिस्ट्रियल फोरम ऑन कोऑपरेशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स। ठीक है, अभी क्या एक पार्टनरशिप हुई है 18 कंट्रीज की, जिसमें इंडिया, US और यूरोपियन यूनियन इंक्लूड है, जिन्होंने 4 पॉइंट रोड मैप बनाया है कि किस तरह से हम क्या कर सके, जो भी आगे कल को कोई मतलब कि रिस्क आता है जैसे कोविड जैसा आता है तो उस पर क्या होता है सप्लाई चेन रुक जाती है, जैसे चाइना की वजह से क्या सप्लाई रुक गई। ठीक है, तो जिस पे हम कंट्रीज पे डिपेंडेंट होते हैं तो उस तरह से हम अपने आप को कैसे बना सकते हैं फॉर बिल्डिंग कलेक्टिव लॉन्ग टर्म रेजिलियंट सप्लाई चेन टू काउंटर रिस्क अराइजिंग फ्रॉम सप्लाई डिपेंडेंसी एंड वल्नरेबिलिटी। ठीक है, इस रोड मैप को फॉर्मुलेट किया गया है इन द बैकड्रॉप ऑफ सप्लाई चेन समिट जो अभी USA में हुई थी 2021 में। स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज किया कि ग्लोबल सप्लाई, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पे कितना इंपैक्ट पड़ा, अब क्या वॉर्स की वजह से भी हो सकता है, कन्फ्लिक्ट या फिर एक्सट्रीम क्लाइमेट इंपैक्ट या डिजास्टर की वजह से हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ रोड मैप बनाना पड़ेगा जो किस किस प्रिंसिपल्स पे होगा, ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, डाइवर्सिफिकेशन, सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, करंटली जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो सबसे ज़्यादा चाइना के द्वारा डोमिनेट किया गया है। मेजर्स ये कि हमें सबसे पहले क्या जो हम डिपेंडेंट है चाइना पे, चाइना की सप्लाई चेन पे उसको रिड्यूस करना पड़ेगा और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना होगा। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव सो दैट हम चाइना की जो डोमिनेंस है सप्लाई में उसको काउंटर कर सके इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सिग्निफिकेंस की वजह से सबसे पहले रिस्क रिड्यूस होंगे। ठीक है, क्योंकि फिर हर एक कंट्री मतलब ऑपरेशंस चला रखी होगी। ठीक है, और ज़्यादा ऑफिशियंट ऑपरेशंस होंगे लीडिंग टू मोर इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड ग्रोथ, और प्रोडक्टिविटी हमारी इंप्रूव होगी। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, UK नीति आयोग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में कवर होगा। अभी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुई थी जिसमें हमारे प्रेजिडेंट विजिट टू द इंडिया इन द बैकड्रॉप ऑफ COP26 प्रेजिडेंट विजिट टू इंडिया, नीति आयोग ने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। तो ई अमृता, दैट इज़ इसके अंदर हमें क्या करना है, एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रिवोल्यूशन फॉर इंडियाज़ ट्रांसपोर्टेशन मोबाइल एप्लीकेशन सो दैट हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे अवेयरनेस स्टार्ट करें, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। इसके अलावा रिपोर्ट आई ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी रीयूज, ये जिसको सपोर्ट किया गया UK के ग्रीन ग्रोथ फंड टेक्निकल कोऑपरेशन फैसिलिटी के द्वारा। रिपोर्ट का एम ये कि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी हम बैटरीज यूज़ करते हैं करंट किसी भी उसमें, तो उसको रिसाइकल करनी है, इस तरह की टेक्नोलॉजी लेके आनी है, और बैटरी सप्लाई चेन
में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, इंडिया में। इसके अलावा हमें क्या करना है, इंडिया का जो रिसाइकिलिंग पोटेंशियल है अगर 2030 तक की जगह 165 गीगा वाट्स है, ठीक है। बैटरी रिसाइकिल करने की ज़रूरत क्यों है और इसका रीयूज़ कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स की लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। अगर आप बैटरी वेस्ट को ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो सोइल को, ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करती है। इसके अलावा इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इम्पोर्ट्स पर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, इसलिए अगर वो अपनी बैटरीज़ को ही रिसाइकिल करती है तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा जो मिनरल ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि अगर आप रिसाइकिल नहीं करोगे तो और ज़्यादा रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करोगे तो मिनरल माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा जो ट्रिस्टल इकोसिस्टम है उसको हार्म होगा और इकोलॉजिकल बैलेंस, डिफोरेस्टेशन, ग्रीनहाउस गैस मिशन ये सब आएंगे। रिकमेंडेशन है कि हम सबसे पहले क्या करना चाहिए, बैटरीज को डिस्पोज जो हम लैंडफिल्स में करते हैं उसको इलीगल बनाना चाहिए। इसके अलावा एक्सप्लिसिटली स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट, मतलब कि बोल देना चाहिए जो भी बैटरीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं कंपनी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको रिसाइकिल करें, ठीक है। जैसे अभी हमने प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक बैन वाला जो मैनेजमेंट है उसके अंदर हमने बोला हुआ, ठीक है, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है ना, तो इंप्लीमेंट करना चाहिए डिपॉजिट रिफंड स्कीम सो दैट हम कस्टमर्स को इंसेंटिवाइज कर सके टू रिटर्न बैटरीज। सपोर्टिंग स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने चाहिए जो रिसाइकिल करते हैं बैटरी प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अभी ACC क्या है, न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करते हैं या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल के रूप में या केमिकल एनर्जी के रूप में और उसको कन्वर्ट कर देते हैं बैक टू इलेक्ट्रिक एनर्जी एज वैन रिक्वायर्ड, फाइन। नेक्स्ट है, नो नीड टू अमेंड द एंटी डिफेक्शन लॉ एज इट आई स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम लॉ मिनिस्टर टेस्ट राज्यसभा। तो गाइस ये जो न्यूज़ है पोल्स एंड गवर्नेंस में कवर होगी। तो गाइस एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था। इसमें क्यों आया था, क्योंकि सपोज करो अगर आप BJP से जीतते हो और जब आपको सीट मिल जाती है तो उसके बाद आप किसी और पार्टी में चल जाते हो, तो इसको रोकने के लिए, ठीक है, भेड़ चाल को रोकने के लिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हुआ था 1985 में विद अ व्यू टू कर्व द टेंडेंसी अमंग द लेजिस्लेचर टू स्विच द लॉयलिटीज फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, ठीक है, जिसकी, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या करता है, अगर कोई भी मतलब डिस्क्वालीफाई कर देता है किसी भी MP किसी भी MLA को अगर वो अपनी मेंबरशिप उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की वॉलंटरी खुद छोड़ देता है, ठीक है, या फिर जो उन्हें बोला, व्हिप का मतलब क्या होता है, सपोज करो अगर आप BJP के तरफ से MP बने हो और आपको बोला कि आपको यहाँ वोट देना है लेकिन आपने कहीं और वोट दे दिया, कोई भी लोकसभा में वो चल रहा है, कोई बिल चल रहा है, तो इसका मतलब अगर आपने अगेंस्ट काम कर दिया तो भी आपको एंटी डिफेक्शन के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई कर देता है। हाउएवर अगर 2/3 मेंबर एग्री हो जाते हैं मर्जर के लिए विद अनदर पार्टी दे विल नॉट बी डिस्क्वालीफ, मतलब कि सपोज करो कोई भी पार्टी BJP और आप पार्टी अगर मिल गई, मर्ज कर गई, ठीक है, कोलिशन पार्टी कर ली, उसके बाद अगर कोई मूव कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो अगर आप एंटी डिफेक्शन को पढ़ अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है, मतलब किस किस बेसिस पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, किस किस बेसिस पर नहीं कर सकते, ठीक है। अभी क्या बात हुई है, ये स्टेटमेंट जो है वो रिटर्न रिस्पॉन्स में दी है जब एक क्वेश्चन आया था कि वेदर जो एंटी डिफेक्शन लो है वो जो फिलहाल जो भी है वो मतलब इतना सफिशिएंट है कि वो आगे आने वाली डिफेक्शंस को रोक सकता है, तो ये क्वेश्चन था, तो जिसमें आंसर दिया है लॉ मिनिस्टर ने यस, ठीक है। तो इश्यूज के एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, एंटी डिफेक्शन लॉ एनकरेज करता है ग्रुप डिफेक्शंस को टू ब्रिंग डाउन द स्ट्रेंथ ऑफ एन असेंबली एंड फैसिलिटेट अ गवर्नमेंट। इस लॉ को सीन किया मतलब ऐसा लोग दिखते कि इनफेक्टिव है क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी दिखती नहीं है। अब मीनिंग का टर्म मतलब मर्जर का मतलब क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ में वो क्लियर नहीं है, ठीक है। जो लेजिस्लेटर्स हैं वो इंटरप्रीट करते हैं कि टर्म मर्जर का मतलब क्या है कि अगर 2/3 जो लेजिस्लेटर्स हैं वो मर्ज कर जाते हैं एंड दैट द मर्जर ऑफ देयर ओरिजिनल पार्टी इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। हाउएवर एक्सपर्ट बिलीव करते हैं अगर ओरिजिनल पार्टी का मर्जर नहीं होता तो ये कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि एक्सेप्शन हो रहा है डिस्क्वालीफाई का, ठीक है। इसके अलावा देखो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी लेजिस्लेचर है मतलब लोकसभा हाउस है या फिर राज्यसभा हाउस है उसका स्पीकर या चेयरमैन है वही फाइनल डिसीजन बनाता है कि उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए कि नहीं, मतलब एंटी डिफेक्शन के बेसिस पर, ठीक है। हाउएवर जो पावर है उसका जुडिशियल रिव्यू भी है, ठीक है, और ये आया था कि हो तो केस में 1992 में लो कोई भी टाइम फ्रेम प्रोवाइड नहीं करता विद इन विच प्रेसिडेंट ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड एन एंटी डिफेक्शन केस, ठीक है। मतलब अगर कोई केस चल रहा है किसी भी मेंबर पे अगर वो 1 साल चल रहा है 2 साल चल रहा है तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मिस्ट सबमराइन केबल सिस्टम। अभी क्या जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ उन्होंने रिकमेंड किया है कोस्टल रेगुलेटरी जोन क्लियरेंस, ठीक है। इसमें 8100 किलोमीटर लॉन्ग म्यांमार मलेशिया इंडिया सिंगापुर ट्रांजिट सबमराइन केबल सिस्टम बनाया जाएगा। ये एक इंटरनेशनल सबमराइन केबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एशिया को सिक्योर रिलायबल रोपेस्ट अफोर्ड टेलीकॉम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। जो मेन ट्रंक रूट होगा ये सिंगापुर के तुआस से लेकर इंडिया के मुंबई तक जाएगा। सबमराइन केबल फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा रैपिड रेट पर आपके पास जाएगा, ठीक है, डाटा। नेक्स्ट है सेरोटोनिन, एक सेकेंड गाइस, यस, सेरोटोनिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जो केमिकल है जिससे
आप मैसेजेस या सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हो एक नर्व सेल से लेकर टू अनदर फॉर कम्युनिकेटिंग, ठीक है। इससे क्या आपका मूड, स्लीप, एपेटाइट सब रेगुलेट होती हैं, और भी जो डेली काम करिए आप लोग करना है वो भी रेगुलेट करते हैं। डिकेड से क्या देखा जाए, अगर आपके ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल लो हो जाता है, इट इज़ वाइडली सीन टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसकी वजह से डिप्रेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, ये टेम्परेरी क्या करता है, सेरोटोनिन के अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, और इसके लिए इसको एज एंटी डिप्रेसेंट दवाई आपको दी जाती है। नॉन रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया है, देर इज़ नो कन्विंसिंग एविडेंस फॉर द सेम, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कर रहे हैं, फाइन। नेक्स्ट है मोनार्क बटरफ्लाई। अभी जो IUCN है, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नेचर, उन्होंने क्या किया है, जो मोनार्क बटरफ्लाई का जो माइग्रेशन होता है पहली बार उसे देखा किया है, और मतलब सॉरी मोनार्क बटरफ्लाई को पहली बार क्या किया, थ्रेटेंड स्पीसीज में लिस्ट में ऐड कर दिया, रेड लिस्ट में, और इसे कैटेगराइज किया गया एंडेंजर्ड। ये मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड बटरफ्लाई है वर्ल्ड की। नॉर्थ अमेरिका में मिलियंस ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई आपको मिलेगी, ठीक है। अंडरटेक द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन ऑफ एनी इंसेक्ट स्पीसीज नोन टू साइंस। थ्रेट क्यों है, हैबिटेट की वजह से, हर्बिसाइड पेस्टिसाइड जो एग्रीकल्चर में होता है तो उसकी वजह से मर जाती हैं, क्लाइमेट चेंज। आप इसको कैसे रिकवर कर सकते हो, प्लांटिंग मिल्कवीड, एक प्लांट होता है दैट द कैटरपिलर डिपेंड ऑन। नेक्स्ट है कालीबीन। अभी के 165 किलोमीटर की रिवर है पंजाब में, जो चार डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, और जहाँ पे रिवर्स का मर्जेंस होता है ब्यास और सतलुज का कपूरथला में, ठीक है। ये एक स्मॉल स्ट्रीम है, वेस्ट वाटर एज वेल एज इंडस्ट्रियल वाटर इस एरिया के आसपास वो यहाँ पे आके आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये वाटर है वो ब्लैक हो चुका है, इसलिए इसका नाम कालीबेन रखती है। तो समझ में आ गया, ये पंजाब में रिवर है जहाँ पे दो कॉन्फ्रेंस होते हैं रिवर्स, ब्यास और सतलुज, तो यहाँ पे जो भी वेस्ट वाटर आके मिलता है जिसकी वजह से पूरी नदी वो पड़ गई काली। नेक्स्ट है कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट, ये भी काफ़ी टाइम से चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने बोला है कि जो भी कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है, इट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इंक्लूजन अंडर द नेशनल प्रोजेक्ट स्कीम, क्योंकि तेलंगाना ने अभी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस ऑप्टेन किया सेंटर से। एक मल्टीपर्पज़ इरीगेशन प्रोजेक्ट है जो गोदावरी रिवर पर चलाया जाएगा कालेश्वरम तेलंगाना में। अभी जो नेशनल प्रोजेक्ट स्कीम है वो इम्प्लीमेंट कब होती है, सो दैट हम मतलब कि कौन से प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट के अंदर डालेंगे, सो दैट हम उस अगर किसी भी प्रोजेक्ट में नेशनल प्रोजेक्ट का डिक्लेरेशन मिल गया तो इसका मतलब ये कि आपको उसको जल्दी कंप्लीट करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। इन प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलते हैं सेंटर के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल ग्रांट, जो कि 90% एस्टिमेट होती है, ठीक है। संथाल ट्राइब, अभी क्या आपको पता है जो प्रेजिडेंट आई हैं द्रौपदी मुर्मू, शी बिलोंग्स टू संथाल ट्राइब, और इन्होंने हिस्ट्री बनाई है बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमन ट्राइबल प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि 15th प्रेजिडेंट बने। तो यू शुड नो ही शी इज 15th प्रेजिडेंट। संथाल ट्राइब देखते हैं, ये कंट्री की थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब है, मोस्टली ओडिशा झारखंड वेस्ट बंगाल में रहती है। संथली स्पीक करते हैं, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली है। इनकी जो स्क्रिप्ट उनको ओलिक्की बोलते हैं, विच इज डेवलप बाय डॉक्टर रघुनाथ मुर्मू इन 1925। संथल जो होते हैं, दे आर क्रेडिट फॉर टेकिंग ऑन द फोर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू द संथल रिवोल्यूशन। अगर आपको पता होगा संथल रिवोल्यूशन, तो ये इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट चलाया था। कुछ पर्सनैलिटी द न्यू में राजा सरफोजी, 19th सेंचुरी के पेंटिंग मिले राजा सरफोजी और उनके सन शिवाजी की, विच इज स्टोलन फ्रॉम द सरस्वती महल तंजूर, हैज़ बीन ट्रेस्ड बाई USA म्यूजियम, ठीक है। मतलब जो चोरी हुई थी उसको USA के म्यूजियम में देखी गई है। राजा सरोप जी, विच इज़ द सियोन ऑफ द भोसले डायनेस्टी, ये रूलर थे मराठा प्रिंसिपलिटी के डोमिनियंस के तमिलनाडु के। छत्रपति शिवाजी के हाफ ब्रदर थे वेंकू, जिन्होंने थनवूर मराठा डायनेस्टी को फाउंड किया था 1675 में। कॉन्ट्रीब्यूशन था, इन्होंने धनवंतरी महल को एस्टेब्लिश किया था, एक हॉस्पिटल था जो पेशेंट्स को देखता था। इसके अलावा कुछ ऑफ्थलिक प्रैक्टिसेस को कैरी आउट करता था। इन्होंने एक मेडिकल बुक को भी कंपाइल किया था जिसका नाम था सारा बेंद्र वैद्य सिस्टम। इन्होंने वुमेन एजुकेशन को भी प्रमोट किया था थ्रू द नव विद्या कलंदनी सला स्कूल। इन्होंने फर्स्ट जूलॉजिकल गार्डन को भी क्रिएट किया था तमिलनाडु में। वैल्यूज़ क्या थी, ह्यूमनिस्ट, विजनरी और एजुकेशनिस्ट, फाइन। लास्ट कुछ न्यूज़ है जो हमारी प्लेसेस है न्यूज़ में, अर्जेंटीना जिस कैपिटल है ब्यूनस एरियस, रिसेंटली का जो सिटी ऑफ ब्यूनस एरियस है उन्होंने जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज का जो यूज़ होता है स्कूल में उसको यूज़ को ब्लॉक कर दिया है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज के जरा इसके देख लेते हो, अर्जेंटीना लोकेटेड है इन द साउथर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। कहाँ कहाँ से बॉर्डर करते हैं, चिली वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से बोलीविया, प्राग नॉर्थ से, ब्राज़ील नॉर्थ ईस्ट से, उरुग्वे ईस्ट से, सराउंडेड बाय साउथर्न अटलांटिक ओशन। बॉर्डर कहाँ कहाँ से शेयर करते हैं, मैरिटाइम बॉर्डर फॉकलैंड आइलैंड का। जूलॉजिकल फीचर देख लेते हो, चार इधर में डिवाइड है, एंडेस, नॉर्थ पैम्पास, पेंटागोनिया। हाईएस्ट माउंटेन यहाँ पे ये है, लॉन्गेस्ट रिवर पराना है, डेजर्ट कौन सा, पेंटागोनिया डेजर्ट, जिसको पेंटागोनिया स्टीप भी बोलते हैं, फाइन। 22 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना, तब तक बाय टाटा।